अरे बेटा क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो तुम पेंसिल से खेल रही थी। हाँ मम्मा, मैं उन्हें गिनने की कोशिश कर रही थी। क्या उनको भी माचिस की तिल्लियों के जैसे ही गिनेंगे? वैसे ही गिनना है ना? हाँ बेटा, हर चीज चाहे पेंसिल हो चाहे कुछ भी हो, उसे वैसे ही गिनेंगे। हाँ ठीक है मम्मा, अब मैं आपको गिनकर बताती हूँ। एक पेंसिल, दो पेंसिल, तीन पेंसिल, चार पेंसिल, पांच पेंसिल हो गई, अब छः, सात, आठ, नौ और ये दस पेंसिल, यानी कि दस पेंसिलों का एक समूह, दस का एक बंडल। बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छे। अब ये मिल गए, बना दिया इन्होंने दस पेंसिलों का एक समूह। अब और गिनती हूँ मैं मम्मा। ठीक है बेटा गिनो, दस और एक ग्यारह। दस और एक पेंसिल बन गई ग्यारह, दस और दो पेंसिल बन गई बारह, दस और तीन पेंसिल बन गई तेरा। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। अब दस में एक और पेंसिल जोड़ेंगे तो मम्मा बन जाएगा, मम्मा चौदह बन जाएगा, चौदह। बहुत अच्छा बेटा। अब आगे बताओ, दस में एक और पेंसिल जोड़ेंगे यानी कि पांच पेंसिल, ये बन गया पंद्रह। अब इसमें एक और पेंसिल जोड़ेंगे यानी कि छह पेंसिल, ये बन गया सोलह। अब इसमें एक और पेंसिल जोड़ेंगे यानी कि सात पेंसिल, दस और सात सत्रह, ये बन गया सत्रह। अब एक और पेंसिल जोड़ी यानी आठ पेंसिल, ये बन गया अठारह। अब इसमें एक और पेंसिल जोड़ेंगे, ये बन गया उन्नीस, नौ, दस और नौ उन्नीस। अब एक और पेंसिल जोड़ेंगे यानी कि बीस, यानी कि दस दस के दो समूह बन गए बीस। शाबाश, दस का एक बंडल और दस का दूसरा बंडल, ये बन गया बीस। दस और दस बीस। अब हम आगे कुछ करते हैं, मैं तुम्हें इससे संबंधित कुछ प्रश्न करवाती हूँ। ठीक है मम्मा, चलो करते हैं। पहले भी तो किए थे, बड़ा मजा आया था मुझे। हाँ बेटा ठीक है, चलो मैं तुम्हें इससे संबंधित कुछ प्रश्न करवाती हूँ। आओ देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, वस्तुओं को गिने और उनके नीचे दिए गए खाली स्थान में उनकी संख्या लिखें, जमा की जांच भी करें। अब हम पहले इन बॉल्स को गिनते हैं, ठीक है बेटा? ठीक है मम्मा, मैं गिनूंगी। मैं गिनो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस है ये मम्मा, दस। ये क्या है? दस। अगली गिनो, मैं जमा करो इन अगली बॉल्स को। ठीक है करती हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पे क्या लिखेंगे? छः लिखेंगे, छः, यहाँ आ गया छः। अब दस और छः कितना होता है? दस और छः बॉलों को यहाँ पे इकट्ठा कर दिया गया। अब हम इन बॉल्स को गिनते हैं, ठीक है? मैं गिनती हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह है मम्मा, ये सोलह। बिल्कुल सही बेटा, ये कितना आएगा? सोलह। दस और छः बॉल मिलकर हो गई सोलह बॉल। ठीक है अब आगे गिनो मम्मा, आगे गिनो बेटा, बादल गिनो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये भी दस है मम्मा। ठीक है बेटा, यहाँ क्या लिखेंगे? दस। तो यहाँ लिख दिया दस। और ये कितने बादल हैं? गिनती हूँ अभी,
एक दो तीन चार पाँच छः सात है सात। शाबाश, यहाँ लिखेंगे सात। अब दस और सात मिलकर कितने बादल हो गए? वो इस बॉक्स में है, इनको गिनते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह है ये। दस और सात भी तो सत्रह होता है। हाँ सही कहा बेटा तुमने, ये बन गए सत्रह। यहाँ लिखेंगे सत्रह। अब तितली है तितली, मैं गिनती हूँ, गिनो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस है ये। यहाँ क्या लिखेंगे? दस लिखेंगे। और दस तितली, और ये कितनी है, गिनो इनको। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। मम्मा ये आठ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? आठ लिखेंगे, आठ। और दस और आठ कितने हो गए, गिनते हैं चलो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह। ये है अठारह मम्मा, यहाँ क्या लिखेंगे? अठारह। दस और आठ अठारह, ये हो गई अठारह तितली। अब टमाटर है, मैं गिनती हूँ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस टमाटर है, यहाँ क्या लिखेंगे? दस। अब ये कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ है, नौ। यहाँ क्या लिखेंगे? नौ। अब देखते हैं कुल मिलाकर कितने टमाटर हो गए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस हो गए। उन्नीस, यहाँ क्या लिखेंगे? उन्नीस लिखेंगे। उन्नीस, ये हो गए उन्नीस टमाटर। दस और नौ मिलकर हो गए उन्नीस। अब देखो चींटी कितनी है, गिनती हूँ मैं। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, यहाँ क्या लिखेंगे? दस। और ये कितनी है? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये भी दस है। और दस और दस कितने होते हैं मम्मा? ये दस दस के दो समूह हो गए। अब इसमें गिनती हूँ कितने हैं, गिनो। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस है मम्मा, ये बीस। और दस दस के दो समूह मिलकर बीस ही तो बनाते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे? बीस। बहुत अच्छे बेटा। अब अगला प्रश्न देखो, गिनती पूरी करें। एक है दो है, अब क्या आएगा? तीन आएगा, तीन। और चार है, चार के बाद क्या आएगा? पाँच आएगा, पाँच। फिर छः आएगा मम्मा, सात दे रखा है, आठ आएगा, सात के बाद आता है आठ। और नौ के बाद दस आता है, दस। उसके बाद ग्यारह है मम्मा, लेकिन बारह आएगा, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ लिखेंगे बारह। फिर तेरह है, तेरह के बाद आता है चौदह। उसके बाद पंद्रह लिखा है, अब लिखेंगे सोलह। उसके बाद आएगा मम्मा सत्रह, फिर आएगा अठारह। उन्नीस लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा बीस। शाबाश बेटा, तुम्हें तो बहुत अच्छे से आ गया। हाँ मम्मा, तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में सबसे छोटी संख्या चार्ट कर दिए गए खाली डिब्बों में लिखो, एक आपके लिए किया गया है। अब पहले में देखो बेटा, ये क्या है? पंद्रह, ये ग्यारह और ये तेरह। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, कौन सबसे पहले आता है, वही सबसे छोटा होगा। ग्यारह आता है, ग्यारह। देखो यहाँ ग्यारह लिखा हुआ है। इसी तरह से हमें अगले प्रश्न करने हैं। जो पहले आएगा वो छोटा होगा और जो बाद में आता है वो बड़ा होता है। तो अब देखो ये क्या है, चौदह और ये
ज्यादा। अब देखो अगले प्रश्न में ये क्या है, 12 और ये 13 और ये 14, तो सबसे पहले कौन सा आता है, 12 आता है 12, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 12। अब इनमें देखो ये क्या है, 17 और ये 19 और ये 18, तो अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 17 है 17, क्योंकि 17 पहले आता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 17। अब ये क्या है, 12, ये 10 और ये 11, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा, सबसे पहले कौन सा आया, 10 आया 10, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 10। अब इसमें ये क्या है, 20 और ये 18, ये 19, तो इनमें छोटा कौन सा है, 18, मम्मा 18, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 18। शाबाश। अब अगला देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र के अनुसार अपनी माताजी की गोल बिंदियों को एक कागज पर चिपकाकर माला बनाएं तथा इस्तेमाल की गई बिंदियों को गिनकर उनकी संख्या लिखें। तो अब ये माला है, इसमें बिंदी मैं चिपकाऊंगी, ठीक है बेटा चिपकाओ। एक बिंदी, मम्मा दो बिंदी, अब ये तीन बिंदी, अब ये चार बिंदी मम्मा, ये पांच बिंदी, ये छह बिंदी, ये सात बिंदी और ये आठ, ये नौ और ये दस, ये ग्यारह और ये बारह, ये तेरह मम्मा, ये चौदह, ये पंद्रह, ये सोलह और ये मम्मा सत्रह और ये 18, तो कितनी बिंदी हो गई बेटा कुल, मम्मा 18 हो गई, कैसे लिखेंगे, मम्मा 10 और 8 18, वेरी गुड, तो यहाँ लिखेंगे 18, शाबाश। अब हम कुछ जीवन कौशल जैसे खरीदारी करते हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं, ठीक है मम्मा। देखो प्रश्न, आपके पास 20 रुपए हैं, आपने एक गुड़िया 10 रुपए की और 5 चॉक की एक चॉकलेट ली, अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है मम्मा। चॉकलेट है 5 रुपए की, टॉफी 1 की, गुड़िया 10 की, पेंसिल 2 की और इरेजर 1 रुपए की, तो अब प्रश्न क्या है, आपके पास रुपए थे, कितने रुपए थे बेटा आपके पास, मम्मा 20 थे 20, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 20, तो ये है यहाँ पे देखो हमारे पास कितने रुपए थे, 20। आपने कितने रुपए का सामान खरीदा, मम्मा 10 रुपए की गुड़िया खरीदी और 5 रुपए की चॉकलेट खरीदी, यानी कि 10 की आपने गुड़िया खरीदी और 5 की आपने चॉकलेट खरीदी, तो अब हम इनको जमा कर देते हैं। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, ठीक है मम्मा, बताओ। आपके पास 20 रुपए थे, आपने 10 की गुड़िया ली और 5 की चॉकलेट, तो 10 के बाद 5 तक गिनो, यानी कि 5 उंगलियां खोलो और गिनो, 10 के बाद क्या आता है मम्मा, 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, शाबाश, तो यहाँ क्या आएगा, 15, हाँ बेटा यहाँ आएगा 15, 10 और 5 15, तो आपने कितने रुपए का सामान खरीदा मम्मा, 15 का, वेरी गुड। अब आपके पास अगला प्रश्न है, आपके पास कितने रुपए शेष बचे, मम्मा 20 रुपए थे, 15 का सामान ले लिया, तो 15 के बाद कितने बचे, 16, 17, 18, 19, 20।
अगला प्रश्न है मिलान करो। ये हमारी कुछ दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं बेटा, और ये उन दुकानों के नाम हैं जहाँ से हम उनको खरीदते हैं। हाँ मम्मा ठीक है। जीवन कौशल होता है जो हमारी डेली लाइफ में होता है, दिन प्रतिदिन जो चीजें हम यूज करते हैं वो सब। तो पहली वस्तु क्या है बेटा? खिलौने हैं मम्मा, खिलौने। और दूसरी? सब्जी और फ्रूट्स हैं। तीसरे में? मम्मा ये फर्नीचर है। और ये जूते चप्पल हैं। और ये मम्मा ये है किराने की दुकान का सामान। और ये कपड़े हैं। तो देखो अब हम ये लिखा हुआ है कपड़े की दुकान, तो कपड़े कहाँ है? ये रहे, इसको इससे मिलाएंगे। और फिर है किराने की दुकान, इसको हम किससे मिलाएंगे? इससे मिलाएंगे, बहुत अच्छे। अब है खिलौने की दुकान, इसको हम मिलाएंगे इससे। अब अगला है फर्नीचर की दुकान, ये मिला हुआ है। अब अगला देखो फलों और सब्जियों की दुकान, इसको हम किससे मिलाएंगे? फल और सब्जियों से। वेरी गुड। अब अगला है जूते की दुकान, इसको मिलाएंगे जूतों से। बहुत अच्छे। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।